स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में एक कपूर और लौंग का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे आप अगर करते हैं रातों रात पलट जाएगी आपकी किस्मत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर बोलें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। जिस तरह रविवार के दिन भगवान सूर्य और सोमवार के दिन शिव जी की उपासना का महत्व होता है, उसी कड़ी में शनिवार के दिन पूजा और उपाय करना विशेष फलदायी माना जाता है। शनिवार की प्रकृति तारुण मानी जाती है। ये दिन एक और जहां शनि देव का दिन है और वहीं दूसरी ओर भैरवनाथ का दिन भी माना जाता है। समस्त दुखों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन उपवास रखना उत्तम फलदायी माना जाता है। शनि देव हमारे जीवन में अच्छे कर्म पुरस्कार और बुरे कर्म के दंड देने वाले हैं। जिसका शनि अच्छा होता है वो राजपथ या राज सुख को पाता है। ऐसा महत्वपूर्ण शनि देव के दिन कुछ विशेष उपाय करके आप मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, परेशानी किसके जीवन में नहीं है। कोई धन की कमी को लेकर परेशान है तो कोई संतान को लेकर चिंतित है। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ न कुछ परेशानियां जीवन में आनी ही है। हमारा काम है इनका समाधान ढूंढना। इसके लिए सही कार्य मेहनत कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और ज्योतिष में हर एक छोटी छोटी परेशानी से बाहर निकलने के भी उपाय हैं, हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। शनिवार की रात कुछ प्रयोग किए जाते हैं जो धन को बढ़ाने वाले होते हैं, जीवन में मान सम्मान खुशियां लौटाने वाले होते हैं, बुरी शक्तियों से रक्षा बुरी नजर वालों से बचाव करने वाले होते हैं, कर्जों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। ऐसे ही कुछ उपाय हम आज के इस वीडियो में बताएंगे और एक विशेष प्रभावशाली उपाय सबसे आखिरी में बताएंगे जो माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन कराएगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला एक प्रभावशाली उपाय, एक सूखे नारियल का गोला लें, उसको ऊपर से काटकर उसमें चीनी भर दें। इसे शनिवार की सुबह किसी पीपल के नीचे मिट्टी में गड्ढा करके गाड़ दें और बिना पीछे मुड़े वापस चले आएं। ऐसा लगातार 3 शनिवार तक करें। आपको कर्ज की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त धन घर में आता जाएगा। धीरे धीरे सारा कर्ज उतरता चला जाएगा। दोस्तों, शनिवार के दिन आप घर में फिटकरी मिले हुए पानी से या नमक मिले हुए पानी से पोछा अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी के कदम पड़ते हैं, घर के कलेश कला उलझने समाप्त हो जाती है। शनिवार के दिन काला कपड़ा, लोहे के बर्तन, काले तिल, कंबल और उड़द की दाल का दान करना बेहद ही फलदायी होता है। इससे जीवन की अनिश्चितता दूर होती है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो काले उड़द के 2 दाने लेकर उन पर दही और सिंदूर लगाएं। अब इन्हें पीपल के पेड़ के जड़ के पास रख दें। इस उपाय की शुरुआत शनिवार से करें और लगातार 21 दिन तक इसे करते रहें। लाभ अवश्य मिलेगा, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और आप लाख कोशिशों के बावजूद आपको असफलता से जूझना पड़ रहा है तो शनिवार के दिन इस सिद्ध उपाय को जरूर अजमाइए। शनिवार की रात को बजरंग बली के समक्ष चमोखा दिया जलाएं। इससे बाद में ओम अंजनी सुताय नमः इस मंत्र का इस बार जाप करें। ये बेहद ही चमत्कारी उपाय है। इससे बजरंग बली की कृपा दृष्टि बनी रहती है। हर शनिवार के दिन इस उपाय को करने से लगातार आप प्रगति के पद पर चलते चले जाएंगे। कई बार कुछ दोष आपको जीवन में सर उठाने का मौका नहीं देते हैं। आप उलझनों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करें। पीपल की जड़ में एक लोटे पानी में एक चुटकी काले तिल डालकर हर शनिवार को अर्पित करते जाएं। फिर दोष समाप्त हो जाएगा। राहुल केतु शनि की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इससे जीवन की अनेक प्रकार की कष्ट खत्म हो जाते हैं। अगर आप फिजूल खर्चे से बचना चाहते हैं तो शनिवार की शाम को पीसी हुई उड़द की दाल के 2 बड़े बनाकर उसमें सिंदूर और दही लगाकर पीपल के पेड़ को अर्पित करें। ये उपाय लगातार 11 शनिवार तक करें। निर्धन खर्चों से छुटकारा मिल जाएगा, धन की बचत होने लगेगी। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं। अगर तिल का तेल न हो तो सरसों के तेल में 2-4 दाने काले तिल की डाल दें और दीपक जलाएं। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, शारीरिक बंधाएं समाप्त होती है, सेहतमंद जीवन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धन और सेहत के साथ ही महत्वपूर्ण होता है भवन। हर कोई चाहता है कि अपना घर हो, नया घर हो। ऐसे में शनिवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। तिल के तेल में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें। लोहे का एक दीपक लाकर इस तेल से जलाइए। अगर लोहे का दीपक ना मिले तो मिट्टी के दीपक में लोहे की एक तिल डाल दें और फिर उस दीपक को शमी के पेड़ के नीचे रख कर जलाएं। जब दीपक शांत हो जाए तब उसे जल में प्रवाहित कर दें। लगातार 8 शनिवार तक से उपाय करें। आपका भवन का सपना अवश्य पूरा होगा, घर खरीदने की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, कई बार हम पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पाते,
खर्चों में कटौती नहीं हो पाती। नतीजा कर्ज के जाल में हम फंस जाते हैं, फिर समस्या बढ़ती ही जाती है। ऐसे में किसी भी शनिवार के दिन एक पान का पत्ता ले, पान के चिकने साइड को नीचे कर दे और रूखी साइड को ऊपर कर दे। उस पर दो साबुत लौंग रखें और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे मेरे दुख, मैं आपको यहीं छोड़े जा रही हूँ। फिर बिना पीछे मुड़े घर के चले आएं। आपकी समस्या पान के पत्ते और लौंग के साथ ही बह जाएगी। परिस्थितियाँ अनुकूल बनकर कर्ज धीरे धीरे उतरता चला जाएगा। दोस्तों, शनिवार की शाम को काले कपड़े में एक मुट्ठी चावल बांध ले और फिर चावल की पोतली को शनि देव के चरणों में रख दे। शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर चावल की पोतली को किसी बहते गंगा में बहा दें। इस उपाय को करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, इस उपाय के बारे में किसी से कोई बातचीत न करें। दोस्तों, अगर आपको शनि, राहुल, केतु इन ग्रहों के दोष सता रहे हैं, तब एक तेल का उपाय करने से आपके जीवन से हर एक परेशानियां दूर होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शनिवार के शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको थोड़ा चमेली का तेल अर्पित करें। शनि के मंदिर में जाएं तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में जब आप दीपक जलाएंगे, तब उसमें दो लौंग डाल दीजिएगा, मन चाहे मुराद पूरी हो जाएगी। किसी शनिवार को 7 बार बजरंग बली का पाठ करके हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं। उसके बाद देसी कपूर के साथ 5 लौंग जलाएं और जब भी घर से निकले पहले माथे पर से भस्म लगाएं। इससे शत्रु और विरोधी साथ हो जाते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है। शनिवार की रात में सोने से पहले एक छोटा सा उपाय करें। एक लौंग लें, अपने बाएं हाथ में रखकर घर में जितने भी सदस्य हैं सबके सर से 3 बार उल्टा उतार लें। फिर इसे घर से उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो धन की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। शनिवार की रात में जब आप दीपक जलाएंगे, अगर एक चुटकी पीली सरसों डालकर जलाएं तो से नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। बरसों से सरसों घर की बुरी शक्तियों को दूर रखने में काम आती रहती है। घर में खुशियां लाने हेतु यह उपाय जरूर करें। अब ये खास उपाय जो धन संबंधी सारी दिक्कतों को खत्म कर देगा, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन कराएगा। शनिवार की रात्रि में इसे आपको करना होगा। रात्रि के भोजन के उपरांत घर के बर्तन साफ करने के बाद पोछा वगैरह सब जब आप अपनी रसोई में लगा देते हैं, उसके बाद आप एक चांदी की कटोरी लें। अगर कटोरी नहीं है तो चांदी का एक सिक्का ले सकते हैं। चांदी के सिक्के के ऊपर एक कपूर रखें और लौंग रखें। फिर इन दोनों को जला दें। जैसे जैसे कपूर जलेगा, लौंग भी उसके संपर्क में जलती जाएगी। जैसे जैसे लौंग जलती जाएगी, आपकी घर की परेशानी दूर हो जाएगी। घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। आपका कामकाज अच्छा चलता जाएगा, हर मुश्किलें आसान होती जाएगी। तो इस शनिवार अपनी समस्या के अनुसार इनमें से कोई उपाय कर लें और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आशा करती हूँ आपको इस जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।